हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 सोल्व की थी, जिसमें हमने आइडेंटिटीज अप्लाई की थी। ए प्लस बी क्यूब इजिकल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab² प्लस 3ab². सेकेंड आइडेंटिटीज थी ए माइनस बी क्यूब इजिकल टू a³ - b³ माइनस 3a² प्लस 3ab². आज हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी अगेन ब्रैकेट a² + b² + c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ओके स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.4 में जो क्वेश्चंस गिवन है वो हमें इस फॉर्म में गिवन है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और हमको उनको सोल्व करके इस फॉर्म में लेके आना है। ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट अगेन a² + b² + c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। हम अपनी एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर सोल्व करते हैं 1। फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटा, हमारी बुक रहेगी बेटा आरडी शर्मा। ये स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज ए क्यूब प्लस 8b³ प्लस 64c³ माइनस 24abc। यस, ए क्यूब प्लस 2b³, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू 3 टाइम्स वी गेट 8, प्लस 4c³, व्हेन वी मल्टीप्लाई 4 3 टाइम्स देन वी गेट 64, देन माइनस 3 × ए इज ए, बी वैल्यू इज 2b एंड सी वैल्यू इज 4c। व्हेन वी सोल्व दिस 3 × a × 2b × 4c वी गेट 24abc। सो नाउ आवर फॉर्मूला इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। नाउ ए प्लस 2b प्लस 4c देन अगेन ब्रैकेट बिग ब्रैकेट वी फिल a² + b² बी वैल्यू इज 2b² c² 4c² माइनस ab ए वैल्यू इज a एंड बी वैल्यू इज 2b माइनस bc b value is 2b and c value is 4c and minus ca 4c multiply a. Which identity we apply better right here? Because a³ + b³ + c³ - 3abc is equal to a + b + c, then again bracket a² + b² + c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सोल्व ए प्लस 2b + 4c a² 2b² 2² इज 4, b² इज b² 4c 4c² इज 4² is 16 and c² is c minus a × 2b - 2ab - 2b × 4c 4² = 8bc minus 4c × a means 4c. This is our answer beta. Yes beta, now clear this point. Any doubt in this question beta?
यस बेटा, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 1/27 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब प्लस 5xyz। यस बेटा, नाउ सी बेटा, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। कभी ऐसी वैल्यू आ जाती है कि यहाँ पर वैल्यू माइनस में हो, देन हम क्या करते हैं, अपना फॉर्मूला यही रखते हैं। हम जो बी की वैल्यू होती है, लाइक यहाँ पर माइनस वाई क्यूब है, हम बी की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे बेटा, माइनस पुट कर लेंगे। नाउ सी, 1/3x³, वेन वी मल्टीप्लाई 3 in 3 times वी गेट 27, देन प्लस बी स्क्वायर इट बी क्यूब वाई क्यूब प्लस सी क्यूब वाई जेड क्यूब माइनस 3 into x, एक्स इज 1/3x मल्टीप्लाई वाई, वाई इज अवर माइनस वाई एंड जेड, जेड इज अवर 5z। नाउ सोल्व बेटा, 3 and 3 कैंसिल आउट, वेन वी सोल्व दिस देन वी गेट प्लस 5xyz एंड देन वी सोल्व दिस वैल्यू कंप्लीट, वी गेट 1/3x³, 1/27x³ माइनस वाई क्यूब इट मीन्स माइनस वाई क्यूब, 5z³, 125z³ एंड देन वी सोल्व दिस देन वी गेट प्लस 5xyz बिकॉज माइनस वन वाई एंड वी मल्टीप्लाई इन माइनस देन पॉजिटिव साइन इज हियर, इट मीन्स विच आइडेंटिटी वी अप्लाई, ए माइनस ए थ्री प्लस बी थ्री प्लस सी थ्री माइनस ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सी, ए वैल्यू इज 1/3x, बी वैल्यू इज माइनस वाई एंड सी वैल्यू इज 5z। दिस इज आवर वैल्यू ए बी एंड सी। नेक्स्ट, इन नेक्स्ट ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट वी फिल, ए स्क्वेयर ए इज 1/3x² प्लस बी स्क्वेयर इट मीन्स माइनस वाई स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर 5z² माइनस ए बी, ए वैल्यू इज 1/3x एंड बी वैल्यू इज माइनस वाई माइनस बी सी, बी वैल्यू इज माइनस वाई एंड सी वैल्यू इज 5z माइनस सी ए 5z मल्टीप्लाई 1/3x। यस राइट आइडेंटिटी बेटा, विच वी आइडेंटिटी वी यूज, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी। नाउ सोल्व बेटा, 1/3x माइनस वाई प्लस 5z, 1/3x² 1² is 1, 3² is 9, 1/9x² प्लस माइनस वाई स्क्वेयर, यू नो माइनस का स्क्वेयर क्या हो जाता है बेटा, पॉजिटिव इट मीन्स वाई स्क्वेयर प्लस 5z² 5² is 25z² वेन वी मल्टीप्लाई 1/3x माइनस वाई वी गेट 1/-1/3xy एंड देन वी मल्टीप्लाई माइनस वन इट मीन्स माइनस माइनस प्लस 1/3xy माइनस माइनस प्लस प्लस वाई मल्टीप्लाई 5z प्लस 5yz माइनस 5z मल्टीप्लाई 1/3x, 5 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/3, जेड को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे जेड एक्स। दिस इज आवर आंसर। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन टेक बेटा क्वेश्चन नंबर 1 and 4। यस बेटा,
Now, I rub blackboard. Yes, beta. Now we solve question number 7. Sorry, question number 6 we solve. Different question, question number 6. Yes, question number 6 we solve. 125 plus 8x cube minus 27y cube plus 90xy. Yes, beta. It means y cube. Plus 8x cube, 2x cube. When we multiply 2, 3 times, then we get 8 minus, sorry, plus. And here we write minus 3y cube. You know now our identity. A cube plus B cube plus C cube. मैंने कहा था हम सेम आइडेंटिटीज अप्लाईज करेंगे. यदि हमारी कोई वैल्यू माइनस में है तो हम माइनस का क्यूब ले लेंगे बेटा, लाइक माइनस थ्री वाई क्यूब. जब आप इसको सोल्व करोगे तो माइनस थ्री का क्यूब माइनस 27 ही होगा बेटा. माइनस थ्री इंटू ए बी सी. ए वैल्यू इज 5, बी वैल्यू इज 2x एंड सी वैल्यू इज माइनस 3y. ओके स्टूडेंट, व्हेन यू सोल्व दिस देन यू गेट प्लस 90xy. सी 3 5 इज़ 15, 15 मल्टीप्लाई 2x 30x, 30 वी मल्टीप्लाई माइनस 3y माइनस 90y एंड माइनस साइन इज हेयर, सो माइनस एंड माइनस पॉजिटिव देन प्लस 90xy. यस बेटा, नाउ यूज योर आइडेंटिटी. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. ए इज, दिस इज आवर ए, दिस इज बी एंड सी. ए 2, बी 2x, सी वैल्यू इज माइनस 3y. देन बिग ब्रैकेट ए स्केयर, इट मीन्स 5 स्केयर प्लस बी स्केयर 2x स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 3y स्केयर माइनस ए बी. ए बी इज 5 एंड बी इज 2x. A is mine, A is value 5 and B value is 2x. Minus B, B value is 2x and C value is minus 3y. Then minus C, C value is minus 3y and A value is 5. Right identity, which identity we use? Then 5 plus 2x माइनस 3y. 5 स्केयर 25 प्लस 2x स्केयर, 2 स्केयर इज 4, x स्केयर इज x स्केयर. माइनस 3 स्केयर इज प्लस 9 एंड y स्केयर इज 9y स्केयर. माइनस 5 मल्टीप्लाई 2x माइनस 10x माइनस 2x मल्टीप्लाई माइनस 2y वी गेट 6xy. माइनस मल्टीप्लाई माइनस 3y प्लस 3y मल्टीप्लाई 5 प्लस 15y. यस स्टूडेंट, क्लियर बेटा क्वेश्चन नंबर 6. नाउ बेटा वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8. इन क्वेश्चन नंबर 8 5 parts is there, part 1, 2, 3, 4 and 5. 2 parts we solve. Okay, question number 8. Firstly, we solve question number 8, part 1. Yes, student. X square plus Y square plus Z square minus XY plus xz
प्लस वाई जेड बाय, बाय मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई माइनस जेड। यस स्टूडेंट, नाउ सी बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमें राइट हैंड साइड वैल्यू में गिवन है, इसको हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन है उस फॉर्म में लेके आना है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे क्या इक्वेशन गिवन है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। हम ए बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बेटा, नाउ सी बेटा, सी फर्स्टली ए प्लस बी प्लस सी होता है, इट मीन्स हमारी सी की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस जेड है। नाउ सोल्व, फर्स्टली वी राइट दिस, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, देन अगेन राइट दिस एक्स स्क्वायर बिग ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस माइनस जेड होल स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई माइनस वाई मल्टीप्लाई माइनस जेड माइनस माइनस जेड मल्टीप्लाई एक्स। एक्स वाई वाई जेड इन दिस क्वेश्चन, एक्स वाई एक्स जेड एंड वाई जेड। यस बेटा, यस, नाउ सी बेटा, व्हेन वी सॉल्व दिस माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई वी गेट माइनस एक्स वाई, व्हेन वी मल्टीप्लाई माइनस वाई माइनस जेड देन वी गेट वाई जेड, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड एक्स मल्टीप्लाई माइनस प्लस जेड एक्स, इट मीन्स आवर आइडेंटिटी इज दिस, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। नो राइट, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 × a, a इज x, b इज y एंड c इज माइनस जेड। नाउ सॉल्व बेटा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब मीन्स माइनस जेड की पावर 3, माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई माइनस 3xy माइनस 3xy वी मल्टीप्लाई जेड देन वी गेट 3 प्लस 3xyz। हियर विच आइडेंटिटी वी अप्लाई, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्लियर बेटा, यस स्टूडेंट्स, क्लियर बेटा, इट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है एंड ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए है, वो हमारे किसके इक्वल हो जाता है बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ओके बेटा, दिस इज अवर आंसर, इफ यू वॉन्ट टेक अ स्क्रीन शॉट देन टेक बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 5। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 5। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
प्लस टू एक्स वाई प्लस जेड एक्स एक्स जेड माइनस टू वाई जेड मल्टीप्लाई बाय माइनस जेड प्लस एक्स माइनस टू वाई। सोल्व बेटा, ए बी एंड सी। यस बेटा सोल्व। फर्स्ट ए प्लस बी प्लस सी, इट मीन्स ए वैल्यू इज माइनस जेड प्लस बी वैल्यू इज एक्स एंड सी वैल्यू इज माइनस टू वाई। देन सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू हम माइनस जेड पुट कर रहे हैं, माइनस जेड स्क्वायर प्लस बी इज एक्स स्क्वायर प्लस सी वैल्यू इज माइनस टू वाई स्क्वायर। बेटा आप इसको सही फॉर्म में राइट करना चाहो, लाइक पहले हमारे पास एक्स होता है एक्स माइनस टू वाई देन जेड, आप वैसे भी राइट कर सकते हो या सोल्व भी कर सकते हो। आप इसको सोल्व करोगे हमको यही इक्वेशन गेट होगी, बस फर्क क्या होगा, लाइक यहाँ पर पहले एक्स स्क्वायर गिवन है, हमने एक्स स्क्वायर ली सोल्व करेंगे तो हमारा सेकेंड नंबर पे आएगा, सिर्फ डिफरेंस यही होगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता बेटा। माइनस ए बी, माइनस ए बी वैल्यू इज माइनस जेड एंड बी वैल्यू इज एक्स, माइनस बी वैल्यू इज एक्स एंड सी वैल्यू इज माइनस टू वाई, माइनस सी ए, सी वैल्यू इज माइनस टू वाई एंड ए वैल्यू इज माइनस जेड। यस बेटा नाउ सी, माइनस जेड प्लस एक्स माइनस टू वाई रिप्रेजेंट हियर, माइनस जेड स्क्वायर इट मीन्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर, माइनस टू स्क्वायर इज फोर एंड वाई स्क्वायर इज वाई स्क्वायर, माइनस जेड मल्टीप्लाई माइनस प्लस जेड, जेड प्लस एक्स जेड एक्स, वेर इज जेड एक्स दिस प्लस जेड एक्स, देन माइनस एक्स मल्टीप्लाई माइनस टू वाई प्लस टू एक्स वाई, सी ओके, माइनस टू वाई मल्टीप्लाई माइनस जेड प्लस टू वाई जेड एंड देन मल्टीप्लाई माइनस, इट मीन्स माइनस टू वाई जेड। क्लियर स्टूडेंट? यस। इट मीन्स नाउ सोल्व बेटा, इट मीन्स विच आइडेंटिटी वी यूज, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। नाउ क्लियर, दिस इज अवर ए, दिस इज अवर बी एंड दिस इज अवर सी। नाउ सोल्व, माइनस जेड क्यूब प्लस बी इज एक्स क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस टू वाई क्यूब माइनस थ्री, ए वैल्यू इज माइनस जेड, बी वैल्यू इज एक्स एंड सी वैल्यू इज माइनस टू वाई। माइनस जेड क्यूब, माइनस जेड क्यूब क्योंकि माइनस को हम थ्री टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हमारा साइन माइनस आएगा, प्लस एक्स क्यूब माइनस टू वाई क्यूब माइनस टू, इट मीन्स हमने टू को माइनस टू को हम थ्री टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट माइनस एट वाई क्यूब। नाउ माइनस जेड मल्टीप्लाई एक्स, माइनस जेड एक्स, माइनस जेड एक्स मल्टीप्लाई माइनस टू वाई, इट मीन्स माइनस माइनस प्लस प्लस टू एक्स वाई जेड एंड देन वी मल्टीप्लाई टू एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई माइनस थ्री, इट मीन्स सिक्स, थ्री टू ज सिक्स एक्स वाई जेड, दिस इज अवर आंसर बेटा। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर एट इज क्लियर? यस स्टूडेंट्स, नाउ वी क्वेश्चन, वी स्टार्ट लेवल टू। इफ यू वांट टेक स्क्रीनशॉट क्वेश्चन नंबर एट पार्ट फाइव देन टेक बेटा। Yeah.
यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सेम है बेटा, लेकिन जो 9, 10, 11 और 12 क्वेश्चन है वो एज इट इज़ है बेटा, इसलिए ध्यान से देखना बेटा। ओके, नाउ फर्स्टली वी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 3x-2y³ + 2y-4z³ + 4z-3x³। यस स्टूडेंट्स, आपको लर्न होगा हमने जब एलजेब्रिक आइडेंटिटीज की थी, हमने एलजेब्रिक आइडेंटिटीज में एक्सरसाइज 4.5 की थी। 4.5 में हमने क्या किया था बेटा, यही आइडेंटिटीज अप्लाई की थी, a³ + b³ + c³ - 3abc = a+b + c² + b² + c² - ab - bc - c। अब बेटा यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, जब भी कभी हमें a³ + b³ और + c³ गिवन है और हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं बेटा, a+b+c। इट मींस जो तीन वैल्यूज़ होती हैं गिवन, हम उन सबको ऐड कर देते हैं। यदि हमें ऐड करने पर ज़ीरो गेट होता है, इट मींस यदि हम इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं और हमें ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर, ज़ीरो फाइंड आता है, हमें ज़ीरो गेट होता है, तो इट मींस हमारी वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई बेटा, ज़ीरो। और जो हम इस ज़ीरो को इस कंप्लीट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मींस हमारी राइट हैंड साइड वैल्यू क्या रह गई बेटा, ज़ीरो। और यदि हमें a³ + b³ + c³ - 3abc = 0 है, तो a³ + b³ + c³ की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, 3abc के इक्वल हो जाएगी। इट मींस यदि हम इन तीनों वैल्यूज को रखते हैं, ऐड करते हैं a+b+c और हमें जीरो गेट होता है, तो हम अपना डायरेक्ट आंसर में क्या लिख सकते हैं, = 3abc। मींस 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, a की वैल्यू से, b की वैल्यू से, c की वैल्यू से। नाउ बेटा वी सॉल्व, हम सोल्व करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। हम आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, दिस इज अवर नंबर 8, हम राइट कर लेते हैं, लेट a = 3x-2y, b = 2y-4z एंड c = 4z-3x। अभी मैंने कहा बेटा सबसे पहले हम इन्हें ऐड करते हैं तीनों को, a+b+3x + 2y - 2y + 2y - 4z + 4z - 3x। यस बेटा, -3x + 3x कैंसिल आउट, -2y + 2y कैंसिल आउट, -4z + 4z कैंसिल आउट। इट मीन्स a+b+c की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ज़ीरो। अभी मैंने आपको बताया यदि हमारे पास a+b+ वैल्यू ज़ीरो है, हम ज़ीरो को इस कंप्लीट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इट मीन्स हमारा आंसर क्या आ जाता है, ज़ीरो। एक हमारी आइडेंटिटी हो जाती है, इफ़ a+b+c = 0 देन a³ + b³ + c³ = 3abc। नाउ सोल्व बेटा, ए वैल्यू इज 3x-2y³ + b² = 2y-4z³, c² = 4z-3x³। 3 × a इज 3x-2y, b इज 2y-4z एंड c वैल्यू इज 4z-3x। नाउ सोल्व बेटा, हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × इन दिस नंबर, 3 × 3 = 9x - 2y। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्टली 2y + 4z, 4 × 2 = 8yz,
y मल्टीप्लाई 3x माइनस 6xy माइनस 4z मल्टीप्लाई 4z माइनस 16z स्क्वायर माइनस 4z मल्टीप्लाई माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 4 3 जर 12 xz यस नाउ 9x को इस कंप्लीट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे देन माइनस 2y को कंप्लीट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 9x मल्टीप्लाई 8 9 8 जा 72 xyz माइनस 9 6 जा 52 x स्क्वायर y माइनस 16 9 जा 154 एक्स जेड स्केयर प्लस 12 नाइन जा 108 एक्स स्केयर जेड देन नो माइनस 2y को सॉल्व करते हैं माइनस 2y मल्टीप्लाई 8 16y स्केयर जेड माइनस माइनस प्लस 6 टू जेड 12xy स्केयर माइनस माइनस प्लस 16 टू जेड 32yz स्केयर माइनस प्लस माइनस 12 टू जा 24 एक्स वाई जेड यस बेटा अब सेम वैल्यूज को हम सॉल्व करते हैं सेम वैल्यूज को हम एक साथ राइट करते हैं मे बी आपको बोर्ड यहां से क्लियर नहीं होगा हम इस क्वेश्चन को ऊपर सॉल्व करते हैं बेटा कहां सॉल्व कर रहे हैं यस यस बेटा नाउ 72xyz एंड माइनस 24 72 माइनस 24 देन वी गेट 48 48xyz x स्क्वायर y कहीं है बेटा यस नो x स्क्वायर y नो एनी वैल्यूज माइनस 54 x स्क्वायर y माइनस एक्स जेड स्क्वेयर नो एक्स स्क्वेयर जेड है बेटा वो माइनस 154 एक्स जेड स्क्वेयर प्लस 108 एक्स स्क्वेयर जेड माइनस 16 वाई स्क्वेयर जेड प्लस 12 एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 32 वाई जेड स्क्वेयर हमारा आंसर आ गया क्लियर बेटा क्वेश्चन नंबर 9 यस बेटा आपको वैसे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी हमारा आंसर यहां भी फिनिश हो जाता है एज यू विश अब आप आगे सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो वरना हमारा आंसर 3 मल्टीप्लाई ए बी सी तक ही फिनिश हो जाता है यस बेटा ओके बेटा टोटल क्वेश्चन है बेटा 18 ओके स्टूडेंट्स आज हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 से 18 तक सॉल्व करते हैं ओके स्टूडेंट्स थैंक यू बेटा